घबराएं नहीं, संयम बरतें। आत्मविश्वास के डगर पर चलकर सफलता को हासिल किया जा सकता है। इधर जब से आरटीजीटी पीजीटी परीक्षा की तारीख की घोषणा की गई है, अनेक विद्यार्थियों को मैं देख रहा हूं कि लगातार वो परेशान हैं इस बात को लेकर कि अब क्या किया जाए, क्योंकि बचा हुआ वक्त बहुत कम है। लेकिन आपको यहाँ ध्यान देने की बात है कि वक्त भले ही कम बचा हुआ है, परंतु इस बचे हुए वक्त में आप अपनी तैयारी को पुख्ता अंजाम देने के लिए कमर कस लें। आज सवाल यहाँ पर इस बात का नहीं है कि आप किस प्रकार से तैयारी करें, अब यहाँ पर वक्त इतना कम रह गया है कि घबराहट में आप अपने काम को और भी ज़्यादा बिगाड़ लेंगे। इसलिए आप तैयारी करने के लिए जो चीज़ें पढ़ लिया है उन्हीं का फिर से रिवीजन करना स्टार्ट करें, क्योंकि इधर दो बार के कोरोना काल के संकट ने लॉकडाउन लगने के कारण अनेक विद्यार्थी अपने अपने घरों को चले गए थे, और जब से परीक्षा की तारीख की घोषणा की गई है विद्यार्थियों में मैं घबराहट देख रहा हूं। लेकिन घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, इतना बड़ा कोई पाठ्यक्रम नहीं है कि जिस पाठ्यक्रम को आप एक माह के भीतर तैयार करके आप पूर्ण रूप से अपने आप को आश्वस्त न कर लें कि सफलता अवश्य प्राप्त हो जाएगी। इसी बात को ध्यान में रख करके हमने आपके लिए ही इस क्रैश कोर्स का प्रारंभ किया है। उस क्रैश कोर्स में भी आप आ सकते हैं। वहाँ पर आने पर आपको ये बात नहीं लगेगा कि न केवल उस कोर्स के अंतर्गत संपूर्ण पाठ्यक्रम की तैयारी, बल्कि उसके साथ साथ ऐसे सवालों की बात की जा रही है जो आपके एग्ज़ाम के लिए अत्यंत संभावित हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात और भी मैं कहना चाहूँगा कि आप अपनी तैयारी को करते समय उन बातों पर विशेष ध्यान दें जो आपके तैयारी के लिए अत्यंत आवश्यक है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अपना आत्मविश्वास बनाए रखें। इतना समय आपने पढ़ा है, इस बात को कतई न सोचें कि अब हम भूल गए हैं। आपको ये मालूम होना चाहिए कि हम जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं इतने दिनों से हमने पढ़ा है, वो हमारा भूला हुआ नहीं है, एक बार रिवीजन करने की आवश्यकता है। आपको यह बात भी मालूम है कि अगर टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम की तैयारी आप कर रहे हैं तो उसका पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है। ख़ास करके पॉलिटिकल साइंस की अगर हम बात करते हैं तो पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत इस बात का निर्धारण कर दिया गया है कि इन पाठ्यक्रमों पर ही आपके एग्ज़ाम में सवाल पूछा जाएगा। इसलिए पाश्चात्य राजनीतिक विचारक, भारतीय राजनीतिक विचारक, राजनीति शास्त्र का सिद्धांत और भारत का संविधान, जहाँ यह टीजीटी का पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है, वहीं पर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, तुलनात्मक राजनीति विज्ञान का और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को मिलाकर के निर्धारित किया गया है टीजीटी का पाठ्यक्रम। तो बात यहाँ पर इसकी है कि इस बचे हुए वक्त में जो लगभग अब केवल 30 दिन ही शेष बचता है, क्योंकि 1 तारीख से लेकर के 1 अगस्त के पश्चात मान के चलिए कि 7 अगस्त का एग्ज़ाम है, तो 5 अगस्त के बाद आपका आपके ऊपर प्रेशर भारी होना शुरू हो जाएगा। ऐसी स्थिति में आप ये सोचेंगे कि क्या पढ़ लें क्या ना पढ़ लें। इसलिए इस बचे हुए वक्त में आप पाश्चात्य राजनीतिक विचारक में से लेकर के अंतर्राष्ट्रीय राजनीति तक का अध्ययन करने में सबसे पहले आप बचे हुए वक्त में इस बात को आप छांट लें कि कौन सा ऐसा पाठ्यक्रम है जो आपके लिए निर्धारित किया गया है, वह बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और जो वह पाठ्यक्रम है जो कम महत्वपूर्ण है, जिस पर आधारित सवाल कदाचित ही पूछा जाता है। तो जिस पर अधिक सवाल पूछे जाते हैं उसको आप ज़्यादा तैयार करें, और जिस पर सवाल नहीं पूछे गए हैं या जिस पर सवाल पूछे जाने की कम से कम संभावना है, तो उन सवालों को आप कम ध्यान दें। लेकिन एक बात पर आपको ध्यान देना अनिवार्य है कि प्रीवियस ईयर में आए हुए सवालों को बार बार हल करें, बार बार लगाएं, और उसमें आए हुए 4 विकल्पों को अपने आप से देखने का प्रयास करें।
कहा जाता है कि यदि प्रयास करेंगे तो सफलता अवश्य ही मिलती है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। तो मैं एक बार आपको फिर कहूँगा कि घबराएं नहीं, संयम बरतें, आत्मविश्वास की डगर पर चल करके सफलता की मंजिल को हासिल किया जा सकता है। इसलिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, दबाव अपने ऊपर मत लाइए और एक बात पक्का विश्वास रखिए, सफलता आपको ही मिलेगी। चलिए, हम लोगों की बात आज यहीं तक है, अगले किसी खास टॉपिक पर हम लोग फिर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।